हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर्स। और अंजलि में आपका वेलकम है। और आज है सैटरडे और आज है 23 फरवरी। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है 5 o'clock। और इवनिंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज इवनिंग टू नाइट व्लॉग है। मैं आपको बताऊंगी कि इवनिंग में मैंने क्या किया और नाइट में क्या करूंगी। तो अभी मैंने आज बहुत सारे कपड़ों को वॉश किया था, मशीन लगाई थी। तो मैंने कुछ कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं, कुछ मैंने मशीन से धोए हैं, क्योंकि अब सर्दी मतलब मौसम एकदम से चेंज हो गया है, गर्मी आ गई है। तो सर्दी वाले जो कपड़े हैं वो थोड़े थोड़े से मैं धोकर उन्हें रख रख दूंगी कबर्ड में। तो उन्हें मैं हाथ से धोऊंगी सारे कपड़ों को। और जो मेरे मशीन वाले कपड़े थे तो मैंने आज मशीन से उन्हें धो दिए हैं। कल मैं हाथ वाले कपड़ों को हाथ से धो दूंगी और फिर मैं उन्हें रख दूंगी। और बाहर आज क्या हुआ, मुझे इतने कबूतर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं, इतना परेशान करते हैं। मेरे यहाँ पे एक मीठा नीम बोलते हैं, करी पत्ता, उसका पेड़ लगा हुआ है। तो उसका जो गमला होता है वो बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, कहीं से भी कोई भी डंडी लेके आ रहे हैं, उसमें घोंसला बना रहे हैं। तो उन्होंने जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, जो छोटे छोटे से आ रहे हैं, वो काफी बड़ा हो गया है। मैं आपको बताऊंगी जिस दिन बालकनी का आपको टूर दूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि वो प्लांट कितना बड़ा हो गया है। बहुत अच्छे से लग रहा है। तो उसमें छोटे छोटे प्लांट आ रहे हैं और वो कबूतर उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो पूरा खराब कर रहे हैं उसको। तो मैं उसको कई बार उठा के आ चुकी हूँ सुबह से कम मैंने 8 या 10 बार उनका घोंसला वहां से हटा दिया है, दूसरी जगह रख दे रही हूँ कि ये दूसरी जगह अपना घोंसला बना ले। लेकिन नहीं, वो वहां से फिर से उठा रहे हैं और फिर वहां रख रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पूछो मत। बस तो मैं बस वही करके अभी आ रही हूँ। वो कपड़े मैंने सारे उठा लिए बाहर बालकनी से, अभी अंदर रख दिए हैं। अभी मुझे बनाना है स्नैक्स। तो स्नैक्स में क्या बनाऊं, और आज ये मेरे ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनकी स्टडी चल रही है, इसलिए मैंने इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। नहीं तो मैं मॉर्निंग या आफ्टर से करती। तो ये थोड़ा सा पढ़ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये पढ़ रहे हैं, फिर मैं बाद में करूंगी। अभी मैंने इनसे इजाजत ली है कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, तो इन्होंने बोला ठीक है तुम कर लो। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस मैं छोटी सी अपडेट आपको दे रही थी कि मैं अब क्या करूंगी। तो अभी बनाना है मुझे स्नैक्स। स्नैक्स में बना रही हूँ आज मैं आलू फ्राई, जो बहुत ऑयली वाला नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं बना रही हूँ सेंधा नमक के जो आलू बनते हैं जिसे हम फास्ट में खाते हैं, मैं वो बना रही हूँ। और बस चाय बनाऊंगी या कुछ और बनाऊंगी। और गाइस, आप प्लीज मेरे घर को, मेरे जो 1 BHK का जो मेरा फ्लैट है उसको देखकर आप प्लीज कुछ भी जज मत करना कि मैं हमेशा अपना ब्लॉग बेड से स्टार्ट करती हूँ और मतलब कहीं और नहीं दिखाती हूँ। आपको टूर दूंगी अगर आप लोग कमेंट में मुझे लिखकर बोलेंगे कि मैं अपने घर का, अपना किचन का आपको टूर दूँ, तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी कि मेरा 1 BHK का फ्लैट कैसा है और मैंने कैसे इसे ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि अभी हमारी लाइफ स्टूडेंट वाली लाइफ है, इनकी स्टडी चल रही है अभी, तो सिंपल सी लाइफ है। तो अभी हमने बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं लिया है, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं आपको अपना घर जरूर दिखाऊंगी। इसलिए बस छोटा सा घर है तो मैं ज्यादातर अपना ब्लॉग इस बेड से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने थोड़े से काम कर लिए हैं। जो दोपहर के बर्तन थे वो मैंने सारे बर्तन लगा दिए जगह पर, मैंने दोपहर में साफ करके रख दिए थे बर्तन को, और जब तक तो पानी निकल जाता है पूरा टब में, और लगा दिए उनको जगह पर। और यहाँ मैं काट रही हूँ आलू, क्योंकि बना रही हूँ सेंधा नमक वाले आलू। तो आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी ने मैं काट लूंगी मोटे मोटे पीसेस में। और यहाँ ऑरेंज रखे हैं, मैं इनको बोल रही थी जूस बना दूं क्या, तो ये बोले नहीं तुम चाय बना दो, मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं चाय ही बना रही हूँ, जूस नहीं बना रही हूँ। और यहाँ मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया है, ऑडियो कॉलिंग आ गई है, तो मैं उनसे भी बात करती जा रही हूँ और बस अपना काम भी करती जा रही हूँ। क्योंकि अगर बात करने के लिए बैठ गई तो मेरा काम भी नहीं हो पाएगा, काम पेंडिंग में रह जाएगा। और भूख भी लग रही है थोड़ी सी, शाम हो गई है। तो और यहाँ सत्येंद्र जी घूम रहे हैं लेकिन कैमरे में नहीं आए हैं। और बस यहाँ रख लिया है मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल दूंगी घी, क्योंकि सेंधा नमक के आलू घी में ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है।
वैसे तो इन्हें फास्ट में खाया जाता है, लेकिन चाय के साथ कभी कभी घर में बनाओ तो अच्छे लगते हैं, तो मैं कभी मन करता है तब बना लेती हूँ। और साबूदाने की खिचड़ी भी मेरी फेवरेट है, लेकिन वो तो फास्ट में ही बनाऊंगी, शिवरात्रि पर बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये सेंधा नमक के आलू बना रही हूँ, यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा। फास्ट में बनाती हूँ तब मैं जीरा नहीं डालती हूँ, अभी जीरा डाल रही हूँ क्योंकि जीरे का अच्छा टेस्ट आता है। और बस ये आलू को अच्छे से वॉश करके डाल दूंगी। और यहाँ मैंने देखा था कि सेंधा नमक के आलू तो बना रही हूँ, लेकिन सेंधा नमक खत्म हो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं था क्योंकि कभी यूज होता नहीं है उसका, कम होता है, फास्ट में ही होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो रेगुलर नमक होता है वो मैंने डाल दिया है, उससे भी अच्छा ही टेस्ट आएगा। और यहाँ मैंने हरी मिर्च डाल दी है, दो बारीक काट के, पहले नहीं डाली थी क्योंकि पहले डालती तो वो पूरे घर में, ये तीखी वाली मिर्ची है तो पूरे घर में वो फैल जाती है, इनको खांसी आने लग जाती है, फिर ये मेरे से गुस्सा होते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ और तुमने ये क्या छोक दिया है, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च बाद में डाली है, पहले भी डाल सकते हैं घी में। और बस उसको, आलू को मैंने साइड वाली गैस पे रख दिया है, वो कम आंच पे होता रहेगा। और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, तो इसमें चाय पत्ती, शक्कर डाल दी है और अदरक डाल दिया है। और आलू को बिल्कुल मीडियम या बिल्कुल सिंपल पकाएं, क्योंकि क्रिस्पी जब हो जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैंने उसको कम पे रख दिया है बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं अपनी क्लीनिंग भी करती जाती हूँ गैस की, क्योंकि वो छींटे वीटे पड़ जाते हैं ना जो हम उसको छोंकते हैं घी के, तो उससे गैस पूरी गंदी हो जाती है, मैं साथ ही साथ साफ करती जाती हूँ उसे भी। और बस पानी अच्छे से बॉईल हो गया है चाय का, इसमें डाल दिया मैंने दूध, और चाय को अच्छे से बॉईल होने दूंगी क्योंकि चाय का टेस्ट तभी अच्छा आता है जब चाय बहुत अच्छे से पक जाती है। तो चाय तो बन गई है, चाय को मैं छान लेती हूँ ग्लास में। अब यहाँ आलू भी ऑलमोस्ट पक गए हैं, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं, देखो ब्राउन कलर हो गया है इनका। इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और नींबू, नींबू से तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, तो मैंने आधा यहाँ पे नींबू डाल दिया है। और बस मिला दूंगी अच्छे से और बस निकाल लूंगी इसे प्लेट में। और ये आज का हमारा स्नैक्स बन के तैयार है। यहाँ कर रही हूँ मैं अपना स्नैक्स और गरम गरम चाय, और जो मेरी फ्रेंड है वो अभी फोन पर है, वो वीडियो कॉलिंग पे आ गई है, ऑडियो कॉलिंग उसको कट करके वो वीडियो कॉलिंग पे आ गई, तो मैं उससे भी बात करती जा रही हूँ। होता ना फ्रेंड का या किसी फैमिली मेंबर का फोन आ जाता है तो आधा एक घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता बात करते करते। और बस अब टाइम हो गया है 7:30, 8 बज रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आरती कर दूँ भगवान जी की, दिया बत्ती जो होती है शाम वाली, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये मार्केट चले गए थे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने इनसे छाछ मंगवाई थी क्योंकि कल मुझे कढ़ी बनानी है, काफी टाइम से कढ़ी नहीं बनाई है, और ये दूध लेके आए हैं, तो मैं दूध को गर्म होने रख दिया है यहाँ पे, और किचन पूरी क्लीन कर दी है, सारा सब कुछ फैल गया था। और आज बना रही हूँ मैं आलू पालक, ये आलू पालक अलग तरह से बना रही हूँ मैं, थोड़ा डिफरेंट है रेसिपी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है, पालक मुझे कम अच्छी लगती है लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। और जो स्नैक्स के बर्तन है पहले उन्हें साफ करके रख देती हूँ जिससे किचन अच्छे से क्लीन रहे, फिर मैं अपना डिनर बनाऊंगी। तो थोड़े से भी बर्तन होते हैं मैं उन्हें हाथों हाथ साफ करके रख देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर उन्हें साफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब देखने में ज्यादा लगते हैं, तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन को साफ करती जाती हूँ। और वहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है तो मैं बार बार दूध को देख रही हूँ कहीं वो निकल ना जाए।
क्योंकि अगर दूध निकल जाता है तो और काम बढ़ जाता है, गैस पूरी खराब हो जाएगी, फिर उसे साफ करूँ, इसलिए मैं उसको देखती जा रही हूँ। सिंपल रखा है वैसे तो मैंने उसे। और यहाँ पूरे बर्तन साफ हो गए हैं, मैंने सिंक को भी अच्छे से साफ कर दिया है। और अब मैं जो पालक है उसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करूंगी और फिर एक बार आरओ के पानी से वॉश करूंगी, जिससे मिट्टी वगैरह जो होती है पालक में वो अच्छे से साफ हो जाए। और बस इसे मैं एक छलनी में रख दूंगी जिससे इसका पूरा पानी निकल जाएगा। और यहाँ मैंने सब्जी के लिए लिए हैं 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च, तो इसकी मुझे प्यूरी बनानी है। और दूध यहाँ गर्म हो गया है तो मैं यहाँ पालक को बॉईल करूंगी, जैसे हम पालक पनीर बनाते हैं वैसे ही स्टाइल में बनती है ये आलू पालक भी। तो मैं यहाँ पे पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, इसमें डाल दूंगी पालक जब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं प्यूरी के लिए यहाँ टमाटर काट रही हूँ, हरी मिर्च काट रही हूँ और लहसुन काटूंगी। बस इसमें प्याज का यूज नहीं करूंगी, बस लहसुन डलेगा और हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर मैंने मतलब 3 टमाटर लिए हैं, एक बहुत बड़ा है और एक छोटा सा है, तो 3 के अकॉर्डिंग ही है। और यहाँ मैंने 5 से 6 कली लहसुन की ले ली है, उसे भी पील करके डाल दूंगी इसी में। तो पानी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल दूंगी पालक। पालक को 1-2 मिनट के लिए बॉईल करूंगी बस थोड़ा सा, इससे इसका कच्चापन निकल जाए। और मैंने यहाँ प्यूरी बना ली है, पालक भी अच्छे से बॉईल हो गई है। और पालक को बस मैं एक जार में निकाल लूंगी मिक्सर जार में और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसकी प्यूरी बना के तैयार करूंगी। पालक को पीस लूंगी बारीक, ये पतला पतली ग्रेवी वाली आलू पालक बनती है ये। बस ये ठंडी हो गई है पालक, तो इसे भी मैं पीस लेती हूँ। और यहाँ पालक भी पिस गई है और मिक्सर को मैं उठा के रख देती हूँ जगह पर। और बस अब पालक की सब्जी को मैं छोकना है, तो बस मैंने वही सेम कढ़ाई रख ली है जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे। और यहाँ 2 आलू को मैंने छील लिया है पालक में डालने के लिए, तो इसमें डाल दिया है मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल। और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं आलू को भी कट कर लेती हूँ। आलू में मैंने पानी डाल दिया जिससे वो काले ना पड़े, और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। और बस जो मैंने प्यूरी बनाई है वो डाल दूंगी इसमें।
और बस इसे ढक दूंगी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के उसे भी डाल दूंगी और इसे ढक दूंगी बस मैं प्यूरी को पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये प्यूरी अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे कढ़ाई में, तब तक। तो प्यूरी अच्छे से पक गई है, अब इसमें डाल दूंगी मसाले जो हम रेगुलर सब्जी में डालते हैं। हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और बस थोड़ी देर के लिए इसे भी पकने दूंगी। तो यहाँ मसाले अच्छे से पक गए हैं, ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें डाल दूंगी मैं आलू, क्योंकि आलू को पहले, पालक हमारी पूरी तैयार है, ज्यादा उसको पकाना नहीं है, तो सबसे पहले मैं आलू को पका लूंगी इसमें, क्योंकि आलू को थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। अब यहाँ डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार और बस इसे चला दूंगी अच्छे से, और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जिससे आलू अच्छे से पक जाए। आलू अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें डालूंगी मैं पालक जो मैंने पीस ली थी, और इसे अच्छे से मिला दूंगी, और वो जार को भी इसमें पानी डाल के थोड़ा अच्छे से धो के डाल दूंगी इसमें, उसमें बहुत सारी पालक लगी हुई है अभी। और बस इसमें एक दो बॉईल आने दूंगी पहले, ढक दिया है, एक दो बॉईल आ जाएंगे, फिर उसमें मैं फाइनल धनिया पत्ती डालूंगी काटी हुई और गरम मसाला डालूंगी थोड़ा सा। तो यहाँ डाल दी मैंने गरम मसाला आधी छोटी चम्मच और धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, और सब्जी बनके तैयार है। ये भी बहुत टेस्टी सब्जी लगती है, पालक पनीर की तरह ही लगती है। और बस यहाँ बना रही हूँ गरम गरम रोटियां। जब तक रोटी बन रही है मैंने लगा दी सत्यन जी के लिए थाली, वो खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं भी खा लूंगी और किचन वगैरह फिर बाद में क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ थोड़ी सी कुरकुरी रोटी बना रही हूँ, अच्छी लगती है कुरकुरी रोटी जब गरम गरम खाते हैं तो। और यहाँ थोड़ा सा नमकीन रख रही हूँ मैं, मिक्सचर वाला नमकीन है ये, इन्हें बहुत पसंद है तो खाने के साथ में। तो बस इनकी थाली लग के तैयार है, यहाँ उन्होंने डिनर कर लिया था, फिर मैं भी डिनर कर रही हूँ अब अपना, और रात के 10:15 का टाइम हो रहा है अभी। तो काफी टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मैंने डिनर वगैरह कर लिया था और पूरी किचन भी क्लीन कर दी है। और मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया था, फ्रेंड मतलब मेरी भाभी भी है और मेरी फ्रेंड भी है, मैं उनसे मिलने जाऊंगी तो आपको जरूर मिलवाऊंगी उनसे। तो उनका फोन आ गया था और मैं काफी टाइम स्नैक्स भी करती रही और उनसे बात भी करती रही, पहले उनका ऑडियो कॉल आया फिर वीडियो कॉल आया, तो गप सप मारते रहे, और जब एक बार बात करना स्टार्ट हो जाती तो वो खत्म नहीं होती, आपको पता होगा। तो बस उनसे बात करने के बाद फिर मैंने डिनर वगैरह बनाया था, डिनर बनाने के बाद फिर करने के बाद भी पूरी किचन को क्लीन किया, सारा काम फिनिश हो गया। तो ये देखिए मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए हैं,
मैं रात को ऐसे ही बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, सारा काम करके ही मैं फिर सोती हूँ। और यहाँ मैंने बादाम डाल दिए हैं सुबह मॉर्निंग के लिए, तो मैंने इसमें 10 बादाम डाले हैं, 5 सत्येंद्र जी के लिए और 5 मेरे लिए। और इन्हें अच्छे से वॉश करके डालती हूँ मैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सब्जी वगैरह बच गई है रात की, तो मैं इसे अभी उठा के रख दूंगी, ठंडी हो जाएगी उसके बाद फ्रीज में। तो ये सारी किचन मेरी क्लीन हो गई है। तो ये था मेरा इवनिंग टू नाइट व्लॉग, और ये आज व्लॉग में नहीं आएंगे, इन्होंने मना कर दिया है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। मैंने इनको बोला था आ रहे हो क्या, हेलो तो बोल दो फ्रेंड्स को, तो बोल रहे हैं आज नहीं कल। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।